हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लैंग्वेज स्किल्स के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। लैंग्वेज स्किल्स से 4 से 5 क्वेश्चंस सीटेट जैसे बड़े एग्जाम में पूछता है। सीटेट के अलावा यूपी टेट, अन्य प्रादेशिक टेटों में, अन्य टीचर्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, भाषा एवं भाषा कौशल। दोस्तों, भाषा कौशल शिक्षण पद्धति में, इंग्लिश पेडागोगी में लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले भाषा को जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमन। दोस्तों, भाषा क्या है? अपने भावों को आदान प्रदान करना, दूसरे के भावों को समझना, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाना किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य या प्राणी अपने भाव या विचार को व्यक्त करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल का वर्गीकरण। दोस्तों, लैंग्वेज इज इन टर्म्स ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स, LSRW। दोस्तों, यहां पर थ्योरी है, इसी के माध्यम से बच्चा जो है भाषा सीखता है। LSRW, इसी के माध्यम से बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। तो लैंग्वेज के जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स के कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। इन्हीं 4 टर्म्स के माध्यम से बच्चा या बालक पढ़ना, लिखना, बोलना सीखता है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? इस थ्योरी को LSRW थ्योरी कहते हैं। इसी के माध्यम से बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है। भाषा का जो विकास होता है, भाषा का विकास किसके माध्यम से होता है? LSRW थ्योरी के माध्यम से होता है। LSRW की बात करें तो जब बच्चा प्राथमिक स्तर पे होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बालक जब छोटा होता है, अपने बाल्यावस्था में होता है, तो सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, अर्थात सुनना शुरू करता है। दोस्तों, जब बच्चा भाषा कौशल उसके अंदर विकास होता है, कैसे होता है? पहले वो लिसनिंग करता है। एक छोटा बालक है, वो जब विद्यालय जाता है तो सबसे पहले, या घर परिवार में, बच्चा जब घर परिवार में होता है तो पहले वो दूसरी की भाषा को अपने अंदर नकल करता है, उसकी भाषा को सीखता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, मम्मी पापा मम ऐसे करके पहले वो नकल करता है, दूसरे की कही हुई बातों को सुनता है, नकल करता है, दूसरे की कही हुई बातों को अपने ऊपर उतारता है और उसको बोलने की कोशिश करता है। तो कहां से शुरू होता है भाषा कौशल? कहां से शुरू होता है? लिसनिंग से शुरू होता है। लैंग्वेज स्किल से कहां से शुरू होता है? लिसनिंग से शुरू होता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है? स्पीकिंग करता है। क्या करता है? बोलने की कोशिश करता है, बोलता है। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, धीरे धीरे जब बोलने लगता है तो धीरे धीरे रीडिंग भी करता है, पढ़ना भी शुरू कर देता है। पहले बच्चे ने सुना, उसके बाद बोलना शुरू किया, अब बच्चे ने क्या किया? पढ़ना सीख लिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में वो लिखना भी सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा? लास्ट में उसको लिखना भी आ गया। तो लैंग्वेज स्किल के ये 4 चरण होते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स कौन से हैं? LSRW। कौन सी थ्योरी है? LSRW लैंग्वेज स्किल्स की जो थ्योरी है, लैंग्वेज स्किल्स की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? LSRW थ्योरी। इसी थ्योरी से बच्चा जो है, बच्चे के अंदर भाषा कौशल का विकास होता है, लैंग्वेज स्किल्स का विकास होता है, उसके अंदर लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है। कैसे? पहले लिसनिंग, पहले वो सुनता है, नकल करता है,
फिर स्पीकिंग बोलता है, फिर पढ़ता है, रीडिंग करता है, लास्ट में राइटिंग करता है। जैसे कि लैंग्वेज स्किल, यहां पर आप रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, यहाँ पे एक ग्राफ है। जैसे लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल हम कैसे सीखते हैं, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है। पहले बच्चे क्या करता है, जो है लिसनिंग करता है, सुनता है, दूसरे की बातों को गौर से सुनता है। दूसरा क्या है, पहला क्या है लिसनिंग, दूसरा क्या है स्पीकिंग, तीसरा क्या है, तीसरा है रीडिंग, चौथा क्या है राइटिंग, लास्ट में क्या आया राइटिंग। तो इन पार्ट्स, इन टर्म्स के माध्यम से बच्चा क्या है, लैंग्वेज स्किल्स को सीखता है। LSRW थ्योरी के माध्यम से ही बच्चा भाषा कौशल सीखता है। दोस्तों लैंग्वेज पार्ट्स की बात करें, भाषा कौशल के भाग की बात करें, तो लैंग्वेज स्किल, अब इसमें जो है पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला है रिसेप्टिव और दूसरा है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव अर्थात ग्रहणशील और प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादक। अब ये दो तरह की होती है, कैसे, एक तो रिसेप्टिव, दूसरा प्रोडक्टिव। ग्रहणशील जिसे हम ग्रहण करते हैं, प्रोडक्टिव जिसका हम खुद उत्पादन करते हैं, खुद हम बोलते हैं उसे, ओरल और रिटन। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे ग्रहणशील कौन सी है, लिसनिंग, जो हम सुनते हैं, जो लैंग्वेज या जो वर्ड्स हम दूसरे की नकल से, जो कोई दूसरा बोलता है उसे ग्रहण करते हैं, अपने अंदर सीखते हैं, तो उसे ओरल के अंतर्गत रखा गया है। और रिसेप्टिव स्किल का जो भाग है, ग्रहणशील अर्थात रिसेप्टिव के अंतर्गत लिसनिंग और रीडिंग को रखा गया है। यदि क्वेश्चन आ जाएगा रिसेप्टिव के अंदर कौन कौन से हैं, तो आप याद रखोगे लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग किस में आती है, ओरल में, और रीडिंग किस में आता है, रिटन अर्थात लिखित में रीडिंग आता है और मौखिक में लिसनिंग आता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो आपको याद रहेगा रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, ये दो चीज आपको कभी नहीं भूलना है। तो क्या नहीं भूलना है, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स क्या है, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, हिंदी बोले तो ग्रहणशील और उत्पादक। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ओरल में कौन कौन से आएंगे, तो ओरल में आप बोलोगे लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ओरल के अंतर्गत आता है, रीडिंग और राइटिंग किसके अंतर्गत आता है, रिटन के अंतर्गत आता है। इसको जो है दूसरी भाषा में पैसिव स्किल्स भी कहते हैं और इसको एक्टिव स्किल कहते हैं। अर्थात रिसेप्टिव को पैसिव स्किल और प्रोडक्टिव को एक्टिव स्किल। एक्टिव स्किल का मतलब सक्रिय कौशल, इसे क्या कहेंगे, सक्रिय कौशल, इसे क्या कहेंगे, सक्रिय कौशल, इसे क्या कहेंगे, निष्क्रिय कौशल, याद रखिएगा हमेशा। दो पार्ट्स, रिसेप्टिव प्रोडक्टिव, ओरल के अंतर्गत लिसनिंग स्पीकिंग, रिटन के अंतर्गत रीडिंग राइटिंग, रिसेप्टिव के अंतर्गत लिसनिंग रीडिंग, प्रोडक्टिव के अंतर्गत स्पीकिंग राइटिंग। अगर एक्टिव स्किल की बात करें तो स्पीकिंग और राइटिंग, अगर पैसिव स्किल की बात करें तो लिसनिंग और रीडिंग। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेके याद कर सकते हो दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूपों की बात करें, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप हैं दोस्तों। कभी कभी ये क्वेश्चंस भी सीटेट में पूछ लेता है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप कितने हैं, तो एक तो दो रूप हैं, कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक स्पोकन लैंग्वेज, एक रिटन लैंग्वेज। स्पोकन जो बोल के हम प्रस्तुत करते हैं, दूसरा रिटन जब हम अपने भावों को लिखित भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो उसे रिटन लैंग्वेज कहते हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन और जो है बन गया, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज टाइप्स ऑफ टू, कितने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पोकन लैंग्वेज, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज। तो अब आपको फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज नहीं भूलेगा, भाषा के रूप नहीं भूलेंगे। भाषा को दो तरफ से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर।
लैंग्वेज सिस्टम की बात करें दोस्तों, भाषा प्रणाली, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी विच देमसेल्व्स आर सिस्टम। लैंग्वेज क्या है? अपने आप में दोस्तों एक प्रणाली है। क्या है? अपने आप में एक प्रणाली है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी विच देमसेल्व्स आर सिस्टम। इसके अंदर व्याकरण है, शब्द भंडार है, वाक्य विन्यास है और जो है शब्द भंडार, शब्द भंडार ग्रामर के अंदर कई सारे रूल्स है। इन सबको मिला के ही लैंग्वेज बनती है, अर्थात भाषा का निर्माण होता है। वर्ण से लेकर वर्ण, शब्द, वाक्य, इन शब्दों के लेकर इसके अंतर्गत सब पर्यायवाची शब्द, इसके अंतर्गत जो है संज्ञा अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ट्रांसलेशन, टेंस, बहुत सारे ग्रामर के अंतर्गत भी आते हैं। तो इस तरह से भाषा क्या है? अपने आप में स्वयं एक प्रणाली है। लैंग्वेज देमसेल्व्स सिस्टम, भाषा क्या है? स्वयं में एक प्रणाली है। यदि लैंग्वेज सिस्टम की बात करें, यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो काइंड्स ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, तो आप कितने लगा के आओगे? 4 लगा के आओगे। अब आपको नहीं भूलेगा कौन कौन से, फोनोलॉजी। कौन सा? फोनोलॉजी। पहला है लैंग्वेज सिस्टम का पहला पार्ट है फोनोलॉजी, जिसे स्वर विज्ञान कहते हैं। दूसरा है मॉर्फोलॉजी, जिसे शब्द के भागों का विज्ञान कहते हैं। तीसरा है सेमांटिक्स, क्या है? सेमांटिक्स, जिसको हिंदी में अर्थ विज्ञान कहते हैं। और चौथा है सिंटैक्स, जिसे वाक्य विन्यास कहते हैं। तो दोस्तों यदि लैंग्वेज सिस्टम के पार्ट्स पूछेगा तो आप कितने लगा के आओगे? 4। कौन कौन से? फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइंटिक्स और सिंटैक्स। यदि फॉल्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेगा तो 2 लगा के आओगे, कौन से? स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। यदि पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव। दूसरी भाषा में बात करें तो एक्टिव स्किल, पैसिव स्किल। ओरल के अंतर्गत कौन आता है? लिसनिंग, स्पीकिंग। रिटन के अंतर्गत क्या आता है? रीडिंग और राइटिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लैंग्वेज स्किल्स का मैंने विस्तार से वर्णन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा लैंग्वेज स्किल क्या है। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।